लिया, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। ये करीब 2 साल से चल रही थी तनम तनी ये लोगों की, ये SOT में भी बुला के ये लोगों को वार्निंग देने लगा है, और हमारे बालापुर PS में जो सो भास्कर साहब के सामने ठहर के जो सो वहाँ पे भी वार्निंग देने लगा है लोगों को। तुम लोग आज देखो तनम तनी के बात आने करना, ये जो भी है अंडरस्टैंडिंग में जितना भी होगा ये कंप्रोमाइज कर लो, दोनों मिलो बोल के सर्कल साहब मिला के करके भिजाए। उनके बाबा हाफिज मारूस थे, मैं था, उसका बड़ा भाई, दोनों बैठ के बात करे। बात करने के बाद में जो सो ख़त्म करे बात को, ख़त्म करने के बाद में कुछ खुबा कॉलोनी में कुछ प्लाट वगैरह आए गए थे, वहाँ पे लाका वाका डाल दिए उसके हमारे भाई के प्लाट पे जाके डाल दिए। तो जैसे इन्होंने जाके कौन डालेगी बोल के लाका वो तोड़ के इनके लाका डाल लेके आ गए। डाल लेके आने के बाद में जो है सो यहाँ गली में से 3 बार गए, पहले मेरे कारखाने की गली में आए, वहाँ पे मेरे कैमरों में भी है वो लगा। फिर उसके बाद में ये गली में से गए, गली में से गए तो जो है सो कंप्लेंट करता हूँ बोल के बोले इन इलियाज मियाँ, कंप्लेंट करता हूँ बोले तो जकरिया बाम जो है सो आके नहीं नहीं कंप्रोमाइज नको करो, कंप्लेंट नको करो यार भाई, मैं बात करता हूँ, बात करके कंप्रोमाइज करके ख़त्म करा देता हूँ बोल के बोले। इसके गवाह आबिद मसूद भी है और अल्लाह सुने की जो अब्दुल खादर है, बच्चा है मोहम्मद, वो पूरे जने है और अजहर है, इसके विटनेसा हैं। वो लोग 8 जने आए थे, 8 जने जकरी आवाम जो सो बात कराता हूँ बोल के बोले, उन्होंने दवाखाने तक आए, दवाखाने से गायब हो गए, उन्होंने दवाखाने को आए थे उन्होंने, मैं जाके जब देखने के बाद में जो सो अल्लू चले गए, दूसरे को बोल के गए बोल के बोल रहे उन्हों, खैर गलत बात है वो। इन्हों साले मारू जकरी आवाम के तो दोनों के काम कारोबार पूरे थे, दफेदार की भी आप लोग वीडियो देख सकते, यूट्यूब पे है लिंक लगी हुई दफेदार की, कैसा है मसला। अब रहा बात जो साले मारूस का, साले मारू जकरी आवाम पूरे जने मेरे कारखाने की गली में आए थे, वहाँ पे है CCTV फुटेज, अब मैं निकाल के जो सो देता हूँ आप लोगों को भी देता हूँ। पहले वहाँ पे आए लगा सलाम करे, मैं बाहर अंदर से जो जवाब दिया आओ बोल के बोला, अंदर तो नहीं आए लगा, उधर चले गए। तो मैं बोला कुछ भी काम कारोबार से आए होंगे, वही बोला मेरे भाई गने आएंगे बोल के नहीं मालूम था मेरे को, मेरे भाई गने आएंगे बोल के नहीं मालूम था। ये करीब करीब 9 बजे से पहले का वाक़ा है, 9 बजे का टाइम है साहब उसके, हाओ एक 10-15 मिनट के बाद में जो है सो फ़ोन आया मेरे को, ऐसा इलियास को मार दिया बोल के, बच्चा अजहर बोल के है बच्चा, उन्हें फ़ोन करा ऐसा इलियास को मार दिए ला, कौन कौन बोले तो ला साले मारूस है, अबूबकर मारूस है, इस्माइल मारूस है, और अबूबकर बिन अवेल बोल के है उन्हें है, और नदीम है, जिलानी है, ये प्लानिंग आ करके ऐसा काम करे बोल के, तो भी हैंड टू हैंड लड़ लेना था भाई, क्या था बोल देता था बता देता था ये। लेकिन ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होना, और ये लोगों का तो इतना जुल्म है साहब पूछो मत। ईंट की गाड़ी आई तो वहाँ गाड़ी नहीं आना, मट्टी की गाड़ी आई तो वो गाड़ी नहीं आना, ये गाड़ी नहीं आना, वो गाड़ी नहीं आना, बहुत अजाब आ करे हुए रोडों पे के मट्टियाँ रेतियाँ लेके जाके बेच लिए हुए है समझे आप, ऐसा बहुत सारे चीज़ें है। वो जो भी है मैं पुलिस को बताऊँगा इंशाल्लाह। हम देखो काम करने, काम कारोबार करने वाले, मेहनत करने वाले, जितना भी था उन्हें सब सब छोड़ छोड़ा के जो सो फिल्टर डाल लेके पूरा एक 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 काम कारोबार पे लगा हुआ था। अल्लाह के फजल करम से एक जाके फिल्टर, 3 फिल्टर हो गए उसके, उस्मान नगर में एक, यहाँ पे एक, शहीन नगर में एक, 3 फिल्टर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून से था उन्हें। सर्कल साहब खुद बोले हुए है, क्या बोल के बोले सर्कल साहब, तुम तुम्हारे सुकून से तुम्हारे घर में रहो जी, गली पार नको करो, सब जो भी है दोस्त आते मिलते जाते, तुम तुम्हारा सेफ रहो, अगर ऐसा कुछ भी रहा तो हमारे को फ़ोन करो बोल के बोले उन्होंने, अगर आपका किला भी गुम गया तो आप कंप्लेंट करो हमारे को बोल के बोले सर्कल साहब। अब देखो अब ये कंप्लेंट करे अब क्या होता देखेंगे अल्लाह मालूम। और हमारे पास पूरे CCTV फुटेज में है, बोला पूरे आए गए सो मारने कर रहे थे, CCTV फुटेज दोनों DVR आ सर्कल साहब बोला जो तो आके लेके गए में हुआ उसके। फोन में गेम खेल लेते हो बच्चे, सब कामों पे पानी वानी डाल लेते बैठे हुए, छोटे बच्चे थे, बात करना है बोल के जैसे उठा के जैसे बात करना है बोल के अंधेरे में लेके आके मारने की कुछ करे, पूरा कोशिश करा करते उन्हें आने की, CCTV फुटेज में भी है वो इंशाल्लाह। आप लोगों को कल शाम तक देता हूँ मैं CCTV फुटेज। तो मेरा भाई था, छोटा भाई था मेरा, मैं कानून से यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं जितने भी जो बड़े ऑफिसर आए उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके, जो भी था मेरा भाई कैसा भी था होगा अपनी ज़िंदगी सुख शांति से जी रहा था, ने सुकून से जी रहा था, मैं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। सुने जो भी है कानून की कार्रवाई से करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं है। सुने इनके उनके बातों में हमारे किसी का कुछ सपोर्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। हम पुलिस से, हम KCR से सबसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि हम
हमारे भाई का इंसाफ होना। मेरे भाई को 8-9 बच्चे मासूम बच्चे है, उसका अल्लाह अजल लेगा, उसका हर वो चीज़ का तकलीफ का अल्लाह अजल लेगा। लोन से सुने, मैं तो कानून से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई के जो भी खातिला हैं, जो भी गांडू हरकत करे सो है लोग, तो लोग जो भी करे ना हरकत गांडू हरकत है, मैं खुला बोल रहा हूँ कि इसलिए बोल रहा हूँ कि कानून की कार्रवाई से काम होना है मेरा। कानून से यही गुजारिश करो मैं, करे भाई अल्लाह के चाहने वाले बहुत थे, इसके दुश्मना ठीक है उलगज करे, नामा भी बोलो बोले तो बोल डालता हूँ, नहीं भी बोलना है तो मसला नहीं है, मेरे को नामा याद नहीं है, फिर भी आपको जो है वो डाल लीजिए आप लोग। पहले कुछ घर पे नहीं बोले साहब हमारे, ये पुलिस भी मौजूद थी मौके पर? नहीं, पुलिस कुछ नहीं थी, पुलिस रहती तो मेरा भाई जान से हाथ धो के नहीं बैठा था। सुने, मेरा भाई चले गया, मैं उसका बहुत तकलीफ में हूँ इस वक्त, पुलिस कुछ नहीं थी, पुलिस रहती तो ये काम होता भी नहीं था और होने भी नहीं देती थी पुलिस ये। सुने आप।